आपने रखा है कैसे बर्ड को, आप उसको क्या डाइट दे रहे हैं, किस तरह रखें? आप देखें बाहर 38 टेम्परेचर है, ये ऑफलाइंस लोटी पार्बलू ऑफलाइंस के बच्चे हैं सर, ये आपके सामने हैं सर, और इनकी जो बाप है वो है वायलेट यू विंग स्प्लिट ऑफलाइन करनी है। एक्जी ये सामने बैठा हुआ है, आप एक्जी भी देख सकते हैं सर। अब मैं एग्जीबिशन के साथ इनो की वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जी में इनो बर्ड बहुत कम है, तो अभी तो ये मॉल्टिंग में फीमेल तकरीबन समझ लें कि 80-80% से मॉल्टिंग पूरी कर ली है, बस कब आधा महीना या महीने का गेम रह गया, तो इंशाल्लाह इसके बाद ये मॉल्टिंग फारी होगी तो मैं अब एग्जी। आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। आज हम एक और ब्रीडर के पास आए हैं जिन्होंने माशाल्लाह से हर किस्म के बर्ड्स रखे हैं और उनसे ब्रीड भी कराई हैं, तो चलते हैं उनसे मुलाकात आप सब दोस्तों की करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जीशान भाई। अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक यू कि आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया मुझे और मेरे शेयर पर आए, बहुत बहुत मेहरबानी। आप नाम माशाल्लाह आपका बहुत सुना था, आज आपसे मुलाकात भी हुई और माशाल्लाह से जिस तरह आपने नेचुरल माहौल दिया है बर्ड्स का, तो ये क्वेटा वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा। यार ऐसा है कि बर्ड्स को मेरे हिसाब से जितना नेचर रखा जाए तो वो बेस्ट है, मतलब अगर आप उसको सही तरह से डाइट दे रहे हैं और सही उसका ख्याल रखें, वेंटिलेशन का ख्याल रखें, तो कोई हर्ज नहीं है कि वो बर्ड आपका सर्वाइव करे। मैंने आपको भी दिखाया कि इस टाइम पे जो कि 38 चल रहा है टेम्परेचर और फीलिंग 42-43 आ रही है और रिंग नेक से इस टाइम पे मॉल्टिंग और मेरे पास रिंग नेक ने भी बच्चे निकाले हैं, तो बात ये कि सारी डाइट का है, सारा उसका आपका ख्याल के ऊपर है कि आप किस तरह ख्याल रखते हैं, किस तरह डाइट देते हैं, तो उस हिसाब से वो बर्ड भी आपके साथ इसी तरह कॉपरेट करते हैं। जीशान भाई चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आप माशाल्लाह से रिंग नेक हमें नज़र आ रहे हैं येलो, तो इनके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? सर ये जो आपके सामने केज में 3 पेयर पड़े हुए हैं रिंग नेक के, ये सारे एडल्ट हैं, तकरीबन 4-4 साल के हैं, माशाल्लाह इन्होंने ब्रीड की है, अभी मॉल्टिंग पर आए हुए हैं, कंडीशन आपके सामने है, तो ये तकरीबन मेरा शौक है जो रिंग नेक का चल रहा है, तकरीबन मैंने इसमें 3 साल हुए रिंग नेक को शुरू किया, अलहमदिल्ला बड़ा ज़बरदस्त सीजन है, सबने ब्रीड भी की है, अलहमदिल्ला ब्रीड मेरी क्वेटा में भी गई है, बाहर भी गई है, तो मज़े का शौक है। तो ये इंशाल्लाह इस बार जो ब्रीड आएगी आप क्वेटा वालों को देंगे? नहीं सर, मैं चीज़ आती है तो मैं ऐड लगा देता हूँ, बस जिसकी किस्मत में होता है वो वहाँ पर चला जाता है, तो ये है कि बस बर्ड को मैं तब देता हूँ जब वो सेल्फ पे आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग उसे बर्ड ले गए जिन्होंने बाद में कहा कि यार वो सर्वाइव नहीं करते, तो जिस तरह मैंने उनको बताया था कि उनको आपने हैंड चीज करनी है उस तरह प्रॉपर्टी हैंड चीज नहीं करता है, तो अब मेरी कोशिश होती है कि यार मैं तब बंदे को दूँ कम से कम 2 टाइम तो फीड करें और 1 टाइम अगर वो खुद खिला देती है कम से कम बर्ड मरेंगे, क्योंकि ये एक जानदार चीज़ ही आप पर डिपेंड करती है, जितना आप इसका ख्याल रखेंगे, जितना इसको आप लोगों को देंगे अच्छी तरह से, उतना अल्लाह भी खुश होगा, देने वाला भी खुश होगा, तो मुझे सही चीज़। निशान भाई कॉकटेल हमें नज़र आ रहे हैं, वी पाइट जिसमें काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं, इनो आपके पास नज़र आ रहे हैं। सर मैंने कॉकटेल के ऊपर मेरा शौक है वर्किंग का, क्योंकि आपको पता है कॉकटेल कोयटा में बड़े कम मिलते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना मुख्तलिफ बर्ड्स का की वर्किंग बनाऊँ, कि अगर मेरा एक कोई बर्ड एक्सपायर होता है तो मुझे किसी और पर डिपेंड ना करना पड़े, मुझे अपने घर से मिल जाए। अब जैसे कि आप कह रहे हैं वी पाइट पड़ा हुआ है, तो ये वी पाइट है, साथ मेरे पास जो मेल है वो पल पाइट है, अच्छे पल पाइट जो है स्प्लिट है इनो का, इसमें किसी तरह मुझे इनो बच्चे दिए थे, लेकिन एक दफ़ा इसमें एक मुझे पल पाइट दिया है और एक ग्रे पाइट दिया है, तो लेकिन ये स्प्लिट्स हैं मेरे पास। इसी तरह नीचे एक बर्ड बैठा है थोड़ा स्ट्रेस में आया हुआ है, थोड़ा सा बीमार भी है, इसकी गर्मी लग गई है, तो इंशाल्लाह मैं दवाई चला दी। ये है लेटिनो पेस्टल फाइट स्प्लिट एग्जी बच्चा, एग्जी ये सामने बैठा हुआ है, आप एग्जी भी देख सकते हैं सर। अब मैं एग्जीबिशन के साथ इनो की वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जी में इनो बर्ड बहुत कम है, तो अभी तो ये मॉल्टिंग में फीमेल तकरीबन समझ लें कि 80-80% से मॉल्टिंग पूरी कर ली है, बस कब आधा महीना या महीने का गेम रह गया, तो इंशाल्लाह इसके बाद ये मॉल्टिंग फारी होगी तो मैं अब एग्जी इनो कॉकटेल की वर्किंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह कोयटावालों के लिए एक बड़ी बात होगी कि आप एग्जी में वर्किंग कर रहे हैं, तो लंबर्ड आप दिखाएं, आप माशाल्लाह से लंबर्ड की भी काफ़ी पोजिशन आपके पास अवेलेबल है, ये सारे मेल है सारे, ठीक है सर। इसमें ये जो येलो बैठा हुआ है ये है डेड ब्लू
लोगिनो ऑफलाइन स्प्लिट इनो का बर्ड है, आप पंजे भी चेक कर सकते हैं सर। इसके साथ ये ब्लू फिशरी बैठी मिस्ट्री की है सर, मेल है। इसमें आपको एक्वा बर्ड भी मिलेगा, एच का बर्ड। इसमें आपको डाइल्यूट के भी स्प्रिट पड़े हुए मेल, इसमें पेल फेलो के भी स्प्रिट्स हैं, और इसमें लोटिनो ग्रीन फिशर स्प्रिट लोटिनो अपलाइन का मेल भी पड़ा हुआ है। तो इस तरफ कौन से बर्ड्स लगे हैं आपके पास सर? सर ये है डेक ब्लू बर्ड है स्प्लिट लीनो, ये आप साथ में मैंने क्रीमो फीमेल दी है, ठीक है सर। क्रीमो फीमेल भी आप उसका हुड चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत टॉप क्लास का है, कलर्स भी आप उसके चेक कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट सीजन सर, ये जो मेल है ग्रीन फिशर स्प्लिट लोटिनो ऑफलाइन का मेल है, इसका डेक ग्रीन की ऑफलाइन की फीमेल है। ये इसने बस बड़े मल्टीपल बच्चे निकाले हैं, लोटिनो ऑफलाइंस भी निकालें, वायलेट ऑफलाइंस यूविंग भी निकालें, और ब्लू ऑफलाइन भी निकालें। तो क्योंकि ये जो पेयरिंग है, ये जिससे मैंने ली थी दोस्त से, उसने यूविंग टू यूविंग लगाई थी। अब एज टू यूविंग पेयरिंग रिकमेंड पेयरिंग नहीं है, लेकिन वो उससे गलती से लग गई थी। लेकिन अगर इस बर्ड को कोई समझे तो ये बहुत काम का बर्ड है। आपके पास मल्टीपल बर्ड्स आ सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि आपके इसे किस तरह बच्चे देंगे। जीशान भाई, आपके पास माशाल्लाह से मैंने देखे बास बक्सों में ब्रेड भी आ चुकी है। चले सर, मौसम इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, हार्ड चल रहा है, गर्मी आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास इतनी अच्छी ब्रेड आ रही है। सर सारा मसला होता है इसका डाइट का। जी जी, आपने रखा है कैसे बर्ड को, आप उसको क्या डाइट दे रहे हैं, किस तरह रखें। आप देखें बाहर इसे 38 टेम्परेचर है, ये ऑफलाइंस लोटी पार्बलू ऑफलाइंस के बच्चे हैं सर, ये आपके सामने सर। और इनकी जो बाप है वो है वायलेट यू विंग स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, और माँ इसकी सफाया है, सफाया पार्बलू। ये नीम इसमें बहुत ख्याल में कोयटा में बहुत कम लोगों के पास है। अक्सर इसके बारे में लोग कहते हैं कि सफाया आपके पास नहीं है, या आप तो मैंने आज आपको दिखा दिया कि तस्वीर में सफाया नज़र नहीं आता। अपने आपने देख लिया कि इसकी जो फोर हेड है, जो कलर है वही कलर इसका आंखों तक आ रहा है, लेकिन वो बहुत लाइट होते जाता है, जबकि पार्क ब्लू में ये कलर सिर्फ फोर हेड तक रहता है। मैं अपने कैमरा मैन इमरान भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो इसकी क्लोज बनाएं, ताकि आप देख सकें ईशान भाई बता रहे हैं सफाया के बारे में। तो डिटेल्स इंशाल्लाह अगर किसी को चाहिए वो ईशान भाई इनको बता सकेंगे। ईशान भाई, इस तरफ आपके पास रिंग नेक की ब्रीड आ रही है सर आपके सामने। ये मौसम जो चल रहा है, रिंग नेक का ब्रीड का नहीं हो सकता। ये तकरीबन दो महीने का बच्चा सर, ये आपके सामने। इस टाइम इसको ब्रीड नहीं करनी चाहिए। बात ये कि हर बंदा रख सकता है, कि आप बर्ड को रखते कैसे हो, आउट सीजन में भी आप उससे ब्रीड ले रहे हो। तो बात है कि सारी नेचर डाइट की है, उसके ट्रीटमेंट की है, उसको आप किस तरह रख रहे हो, किस तरह का इन्वायरमेंट दे रहे हो। अगर आप बेस्ट इन्वायरमेंट देते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो मैं नहीं समझता कि आपके पास ब्रीड ना है। बाकी ये तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ से, आप कोशिश कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, अल्लाह ने साथ दिया, और आप खाली ब्रीड है। ऋषान भाई माशाल्लाह से साइज में देख रहा हूँ, लबर्ड को मैंने बहुत कम इस साइज में देखे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है सर? देखिए सिर्फ दाना ही नहीं होता। अब अगर मैं अपने बच्चे की बात करूँ, तो मैं एक दिन में इनको सॉफ्ट फूड देता हूँ, उससे फिर एक दिन का गैप देके मैं इनको स्प्राउट्स देता हूँ। डेली रूटीन में इनके पास जेवर चलते हैं, पालक होता है, मेथी होती है, सलाद के पत्ते होते हैं, मिर्च होती है। इसके साथ में अगर आपने साइज एनहेंस करना है, जो मेरे बड़ों ने मुझे बताया है, तो मैं उस पर चलता हूँ। गाजर होती है, स्मैश गाजर, चुकंदर होता है, और बंद गोभी, इससे साइज बहुत एनहेंस होता है। साथ में स्प्राउट्स होते हैं सर। फिर अगर फ्रूट की बात करें तो आपके पास इस टाइम पे जो बेस्ट फ्रूट जो है वो तरबूज है, गर्मा है, सर्दा है, वो अपने बर्ड को दें। आप देखिए जाने आपको इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आप देखिए जिस टेम्परेचर में खड़े हैं, आपको पसीना शायद आ रहा है, पर मेरा बर्ड आपके सामने हाँप नहीं रहा। हल्का फुल्का तो हाँप रहा है, वो तो ज़ाहिर बात गर्मी है, लेकिन जिस तरह के वो स्ट्रेस में आके बैठा रहता है, वो कंडीशन नहीं है। वजह है कि मैंने बताया कि वेजिटेबल्स हैं, नींबू पानी दिया जाता है दूसरी चीज़, तो वो बर्ड को आप सही रखते हैं सर। सर आपने एग्जीबिशन में बजरी घर भी रखे हैं, बजरी घर तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह से अपना शौक बरकरार रख। सर अगर आप मेरी शेड के ऊपर थोड़ा कैमरा बनाए, तो कॉमन बजरी भी उड़ते नजर आ रहे हैं आपको, वो सामने बैठे हैं मेरे शेड में, वो 100 रुपये वाली 200 वाली डब भी घूम रही है सर। मेरा शौक है, मैं मार्केट को नहीं देखता कि मार्केट क्या कर रही है, मैं अपना शौक पूरा करता हूँ। मेरे पास दो रोंगे पड़े हुए,
उसमें रिसेसिव भी हैं, दूसरे भी हैं, तो ये शौक की बात है। मैं अपना शौक चलता हूँ, मैं मार्केट को नहीं देखता कि मार्केट में उसकी वर्थ क्या है, क्योंकि जो शौकीन होगा ना उसके पास सब कुछ होगा, जो बिजनेसमैन होगा उसके पास बिजनेस वाली चीज़ होगी। तो मैं ग्रे पैरेट भी माशाल्लाह से यहाँ हमें नज़र आ रहा है सर। ये तकरीबन 10 साल इसकी एज है, अभी इसको मॉल्टिंग में छोड़ा हुआ है रेस्ट के लिए। इसने 2 दफ़ा अंडे दिए हैं मेरे पास, लेकिन वो वाला सीजन में मैंने ब्रीड पर लगा दिए सर्दियों में, तो वो गर्म फैल हो गए। इसी तरह आपके साथ ही ये भी ट्रेनर, ये भी अंडों के लिए जाल हो रहा है, आप कैमरा मैन शायद दिखा दें। ये इंशाल्लाह आने वाले 1-2 महीने में शायद ब्रीड कर देंगे। इसमें एक और पेयर है, ये इसको मैंने अभी मॉल्टिंग में छोड़ा हुआ है, ये तकरीबन 12 साल इसकी एज है। ये माशाल्लाह 3 से 4 बच्चे निकालता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये निकालता है माशाल्लाह। यहाँ भी हमें बहुत सारे खूबसूरत से रिंग नेक नज़र आ रहे हैं सर। इसमें एक पीस जो है वो वायलेट है, एक जोड़ा लोटिनो का है और एक अल्बाइनो का है। तो सर ये सारे मॉल्टिंग पे इंशाल्लाह कमिंग सीज़न में अल्लाह ने चाहा तो ये ब्रीड कराएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर भी हमें कुछ रिंग नेक नज़र आ रहे हैं सर, इसमें बहुत ही खूबसूरत और रियल कलर्स में। सर इसमें एक पेयर एक्वा है, तकरीबन ये इस साल एडल्ट हो जाएंगे। दूसरा डैक ब्लू है सर, तो वो भी इंशाल्लाह इस साल एडल्ट हो जाएंगे और इनकी ब्रीड अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएगी सर। और यहाँ पे पहाड़ी का एक माशाल्लाह से पहाड़ खड़ा है, ये क्या राज जीशान भाई? सर ये 5 से 6 पेयर हैं, सारे एडल्ट हैं जी। इस साल माशाल्लाह अल्लाह ने करम किया, 25 चिक्स मैंने इनसे लिए सर, और सब के सब सेल आउट हो चुके सर। तो ये अभी मॉल्टिंग में छोड़े हुए हैं, तो ये अपनी फुल मॉल्टिंग करें, अपने फैदर कंडीशन को सही करें, बस इस टाइम पर इनका ख्याल रखें डाइट वाइट का, बाकी अल्लाह खैर करे अगले साल देखें सर इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो संडेज आएंगे इनकी ब्रीड आएगी तो आप मार्केट में ये लोगों को आसानी मिल सकेगा इंशाल्लाह अगले साल मार्च अप्रैल में, क्योंकि आपको पता है लाहौर से कराची से लोग चिक्स मंगवाते हैं वो सर्वाइव नहीं करते। यहाँ पे इंशाल्लाह ब्रीड आएगी, लोकल लोगों को मिलेगा तो मज़ा आएगा सर। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो बर्ड्स के चिक्स निकलते मैं उनको चने नहीं दूँ, बेसन ही दूँ। अब चने जो बेसन वाले जो बर्ड हैं वो 8-6 हज़ार महीने का 5 हज़ार महीने का, अब इसका एक बच्चा हैंड फीड तकरीबन 1.5 किलो का आता है। और हमें बता दें, और न्यू फैंसियर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0333-780-8610 है, और लोकेशन अरबाब टाउन सुबुंगली रोड पे। थैंक यू सर।